हेलो एवरीवन आज है 19 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मुथूट फाइनेंस के बारे में एक हज़ार के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है बड़ी गिरावट हमें यहां पर भी देखने को मिली है और पिछले लंबे अरसे से मतलब कुछ महीनों से देखें तो यहां पर स्टॉक के स्प्लिट होने की चर्चा भी हो रही है हालांकि मैनेजमेंट की तरफ से स्टॉक स्प्लिट्स का जो प्रस्ताव है उसको लाया ज़रूर गया था लेकिन बाद में किसी तरीके से उसको रिजेक्ट कर दिया गया और अभी भी अगर देखा जाए तो उसकी जो गुंजाइश है स्प्लिट की उससे इनकार नहीं किया जा सकता और तो जो स्प्लिट की जो चर्चा थी वो ये थी कि भैया एक के बदले दस शेयर बन जाएंगे तो वीडियो में हम बात करेंगे उस मुथूट फाइनेंस के बारे में इसी मुथूट फाइनेंस के बारे में कि एक रुपए का ये शेयर क्या ख़रीदारी के लिहाज से अट्रैक्टिव है कि नहीं और किस तरीके से आपको आने वाले समय में यहाँ पर चीजें बदलती हुई देखने को मिल सकती है तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे तो बात करते हैं मुथुट फाइनेंस की एक का शेयर और छह की गिरावट पिछले एक महीने में आई है एक हजार के आसपास ट्रेड करा था लगातार टूटा ये लगातार टूटा एक दिन भी नहीं रहा कि भैया तेजी आई और लगातार टूटता रहा लेकिन जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि जब एक तरफा गिरावट हो तब कभी भी यहां पर कूदना नहीं चाहिए लेकिन जब धीरे 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 शेयर एक सपोर्ट लेने की शुरुआत करे या शेयर धीरे धीरे कछुए की तरह ऊपर उठने की शुरुआत करे तब आप भरोसा कर सकते हो इन, उ, उन शेयर्स के ऊपर अब देखिए एक 1440 तक पहुंचा लेकिन उसके बाद धीरे से ही सही लेकिन पिछले एक हफ्ते में यहाँ पर एक अच्छी रफ्तार आप कह सकते हैं कि अच्छी भी नहीं कि हाँ जो गिरावट थी एटलीस्ट वो तो नहीं है जबकि बाकी शहर में भयंकर गिरावट है पिछले एक साल में अगर हम देखें तो 18 से 19 परसेंट का ग्रोथ है लेकिन एक चीज़ को आप समझिए यहाँ पर हज़ार रुपये का लो बना था और सोलह सौ सो रुपये का हाई बना था यहाँ पर और देखिए तेजी गिरावट तेजी गिरावट तेजी गिरावट बहुत बड़ी रफ्तार पकड़ी इन्होंने वापस गिरावट आई फिर से थोड़ी बहुत तेजी की कोशिश कर रहा है तीन साल में अगर हम देखें तो तीन साल में 260 परसेंट का ग्रोथ है एक साल में आपको 18 परसेंट का ग्रोथ कम दिख रहा होगा लेकिन तीन साल में 260 परसेंट का ग्रोथ खराब तो नहीं है तीन का शेयर था बढ़िया रफ्तार पकड़ी टूट गया अच्छी तेजी दिखाई देखे यहां पर वापिस टूट गया फिर लंबा वक्त बिताया इस लेवल के आसपास लेकिन अब एक अच्छी रफ्तार पकड़ी है लार्ज कैप शेयर है साठ हजार करोड़ के आसपास का मार्केट कैप जरूर है बहुत ही कम वॉल्यूम ट्रेड है मुश्किल से साढ़े छह लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड नजर आता है शेयर होल्डिंग में देखे तो सेवंटी थ्री पॉइंट फोर्टी परसेंट की होल्डिंग प्रमोटर के पास है फिफ्टीन पॉइंट जीरो टू परसेंट की होल्डिंग एफ आईल्स सिक्स पॉइंट एटी नाइन परसेंट की होल्डिंग म्यूचुअल फंड जीरो पॉइंट थर्टी टू परसेंट की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है मतलब भैया और कुछ बचा ही नहीं है रिटेल वालों के पास बहुत कम माल बचा है इसका डिविडेंड भी अच्छा पे करता है बहुत शानदार है भैया बीस रुपये पर शेयर का डिविडेंड पे किया है मतलब दो का ये डिविडेंड है जो कि बहुत अच्छा है बहुत ही बढ़िया है मुथुट फाइनेंस देखा जाए तो टेक्निकल रेटिंग भी इनकी शानदार है और बेचने की बात कोई भी नहीं कर रहा है अकॉर्डिंग टू तो मनी कंट्रोल यूजर 88 परसेंट लोग कह रहे हैं कि खरीदारी करो और 12 परसेंट लोग कह रहे हैं कि होल्ड करके रखो डरने की जरूरत यहां पर नहीं है और रेवेन्यू भी अगर आप देखें तो भाई साहब बढ़िया रफ्तार पकड़ी है रेवेन्यू ने पाँच हज़ार नौ सौ दस करोड़ का रेवेन्यू ग्यारह हजार पाँच सौ तीस करोड़ पर पहुंच चुका है और उसी तरीके से प्रॉफिट बारह सौ करोड़ का प्रॉफिट चार हजार करोड़ पर पहुंचने की कगार पर है तो अच्छे प्रॉफिट्स कंपनी दिखा रही है अच्छे रेवेन्यू कंपनी दिखा रही है हर साल का रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले बहुत ही बेहतरीन रहा है कोरोना काल में भी अच्छे रेवेन्यू देखने को मिले हैं प्रॉफिट देखने को मिले हैं तो ये एक कह सकते हैं कि मजबूती है इस कंपनी की मुथुट फाइनेंस की जो करंट प्राइस है वो इसकी इंस्ट्रिक वैल्यू से भी कम है बहुत अच्छी बात है लॉन्ग टर्म में बैंक एफडी से भी बढ़िया रिटर्न दिया है बहुत अच्छी बात है अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर है बहुत अच्छी बात है खरीदने का अभी भी सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबोर्ड जोन में नहीं है कोई भी रेड रेटफ्लैक्स नजर नहीं आ रहे हैं पंद्रह के करीब शेयर पहुंच रहा है लेकिन फिर भी बहुत ही सस्ते वैल्यूशन के ऊपर अभी भी अवेलेबल है पंद्रह का इसका पीई रेशियो है जबकि सेक्टर पी छब्बीस का है 75% परसेंट एनालिस्ट कह रहे हैं कि खरीदारी करो खरीदारी करो खरीदारी करो डरने की जरूरत नहीं है शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो रिटेल वालों के पास कुछ है ही नहीं आप देखिए 2.23% परसेंट की होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर मतलब आप और हमारे जैसे लोग हैं उनके पास है जबकि टू परसेंट की होल्डिंग अदर पार्टीज के पास है फॉरेन वाले म्यूचुअल फंड और प्रमोटर अपने बहुत बड़े शेयर लेकर बैठे हुए हैं और हर किसी ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है तो ये एक अच्छी बात है स्ट्रेंथ है इस कंपनी की और अगर हम मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो खरीदारी करने की सलाह है यहाँ पर और एक रुपए का टारगेट प्राइस मोतीलाल ओसवाल की तरफ से मुथूट फाइनेंस में दिया जा रहा है अब मुथूट फाइनेंस की जो मेन चीज़ है कि भैया स्प्लिट की बात हो रही है कि कब शेयर स्प्लिट होगा देखिए अभी भी एक भी बार ये शेयर स्प्लिट नहीं हुआ है लेकिन अब स्प्लिट होने की बातचीत हो रही है कि कब ये शेयर स्प्लिट होगा डिविडेंड तो हालांकि बहुत शानदार पेय की पेक है हर साल डिविडेंड बढ़ रहा है 2017 में जहां छह रुपए का डिविडेंड था 18 में 10 हुआ 19 में 12 हुआ 20 में 15 हुआ और 21 में बीस रुपये का डिविडेंड तो भैया डिविडेंड तो अच्छे खासा बढ़ रहा है और स्प्लिट की भी खबरें आ रही है कि शायद देखिए मैनेजमेंट कोशिश तो कर रहा है कि शेयर स्प्लिट हो जाए बाद में हो नहीं पाया लेकिन ऐसा नहीं कि दोबारा नहीं होगा दोबारा भैया स्प्लिट करवाने की कोशिश ज़रूर करेंगे और जो प्लान है इनिशियल वो यही है कि एक का शेयर जो है वो उसको दस बना दिया जाए मतलब अगर आपके पास दस मुथुट फाइनेंस के शेयर होंगे तो वो बन जाएंगे सौ लेकिन वैसा असर आपको शेयर प्राइस पर भी देखने को मिलेगा अगर पंद्रह सौ का मुथुट फाइनेंस का शेयर होगा तो वो सीधा एक सौ पचास का हो जाएगा ठीक है तो स्प्लिट का यही है कि भैया शेयर स्प्लिट होता है तो डेफिनेट शेयर बढ़ते हैं तो प्राइस भी उस तरीके से स्प्लिट हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि एक शेयर एक का दस बन गया तो भैया दस गुना पैसा हो गया ऐसा नहीं होगा उतना ही रहेगा बस ये है स्प्लिट करके ये प्राइस को नीचे ले आते हैं ताकि दोबारा जो छोटे लोग हैं छोटे निवेशक हैं वो खरीदारी करें और अट्रैक्शन जो है लोगों में बढ़ता रहे आप विप्रो का एग्जाम्पल लीजिए विप्रो कई बार स्प्लिट हुआ है कई बार विप्रो ने बोनस दिया है अगर उन्होंने एक बार भी स्प्लिट ना हुआ होता विप्रो एक बार भी विप्रो ने अगर बोनस ना दिया होता तो उसका शेयर प्राइस जो है वो पंद्रह करोड़ रुपए के आसपास होता पंद्रह करोड़ उससे ज़्यादा होता पंद्रह करोड़ तो आप समझ सकते हो कि स्प्लिट का ये है कि स्प्लिट जितना होगा शेयर की जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली आपके शेयर डबल होते जाएंगे और लॉन्ग टर्म में आपको उसका असर दिखेगा मुथूट फाइनेंस मेरे हिसाब से खरीदारी करने के लिए अच्छा शेयर है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है लॉन्ग टर्म के लिए और अगर स्प्लिट हो जाता है तो भैया बहुत अच्छी बात है कोई ख़राब बात तो नहीं है यहाँ पर अच्छी बात है डबल शेयर मतलब दस गुना शेयर मिल जाएंगे आपको हालांकि प्राइस नीचे जरूर आएगा लेकिन धीरे धीरे देखने को यही मिला है कि स्प्लिट होने के बाद तेज़ी जरूर आती है मतलब थोड़ी देर बाद तेज़ी दिखाई देता है ये शेयर क्योंकि भैया आदत होती है उस शेयर को उस लेवल उस लेवल पर पहुंचने की सेम चीज़ हमने डिक्सन टेक्नोलॉजी में देखी सेम चीज हम चीज़ हमने हाल फिलहाल में आइशर मोटर्स में भी देखी हुई थी तो यही सारी चीजें हैं दोबारा तेजी तो जरूर दिखाएगा ऐसा नहीं कि तेजी नहीं दिखाएगा अच्छी खासी तेजी दोबारा से भी देखने को मिलेगी मुझूट फाइनेंस खरीदारी करिए बने रहिए और फ्रेश बाइंग करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन एक चीज हमेशा मैं कहता हूँ कि देखो ऐसे शेयर्स ना जब एक बड़ी रफ्तार पर बैठे जाए तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत गिरावट भी आ जाए तो टुकड़ों में खरीदारी करना सही रहता है यहाँ पर एस मोड में खरीदारी करोगे तो फायदे में रहोगे और हाँ लॉन्ग टर्म के लिए मुझे मुथूट फाइनेंस पसंद आता है वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा पसंद आया हो तो लाइक करो शायद चैनल अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो मुथुट फाइनेंस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं थैंक यू